हेलो दोस्तों, काव्या किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, जिसे हम व्रत में भी खाते हैं और आप चाहें तो ऐसे भी नाश्ते में भी शाम के इसको बना सकती हैं। तो देखिए, ये मैंने साबूदाना ले रखा है, इसको मैंने भिगा दिया था 2 घंटे पहले। देखिए एकदम ऐसे सॉफ्ट हो गया है। ये मैंने 2 आलू उबले लिए हैं, जिनको छील के मैंने कट कर लिया है। ये मूंगफली है, जिनको मैंने रोस्ट करके इसका छिलका निकाल दिया है। और ये जीरा है 1 चम्मच, और ये सेंधा नमक है, और ये व्रत का मसाला है, और ये मैंने धनिया ले रखी है, अदरक, हरी मिर्च, और कुछ मैंने नींबू लिए हैं, और घी मैंने गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। ये देखिए घी गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ये अब जीरा डाल दे रही हूँ। और ये मैं मिर्च, हरी मिर्च मैंने ले रखी थी कट किया है, और ये मैंने अदरक डाल दिया है। ये देखिए अदरक और हरी मिर्च भून चुकी है। अब मैं इसमें ये मैंने उबले आलू लिए हैं, ये मैं डाल दे रही हूँ। ये हल्का सा भून लेना है। ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है ये साबूदाने की खिचड़ी। ये देखिए आलू भून चुके हैं। अब मैं इसमें ये साबूदाना डाल दे रही हूँ। और मैं इसमें ये मूंगफली अपनी डाल दे रही हूँ। और ये मैंने सेंधा नमक ले रखा है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। और ये मैंने जो मसाला ले रखा है, तो ये व्रत का मसाला है, तो ये मैंने ले रखा है। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये सबको मुझे अच्छे से मिक्स कर देना है। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल सकती हैं। मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ। मैं इसमें ये अपना धनिया डाल दे रही हूँ। ये देखिए अब मैं इसमें नींबू डाल दे रही हूँ। आप नींबू की जगह टमाटर भी डाल सकती हैं। ये देखिए ये मैं साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए मेरी साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको ये मेरी साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।